नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ के मुताबिक भारत का पहला सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 6 जनवरी को अपने गंतव्य लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पर पहुंचेगा। यह पृथ्वी से 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। आदित्य L1 को 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए काम करने वाले एनजीओ विज्ञान भारती की ओर से आयोजित भारतीय विज्ञान सम्मेलन के मौके पर सोमनाथ ने शुक्रवार को अहमदाबाद में मीडिया कर्मियों से कहा था कि आदित्य L1 6 जनवरी को L1 बिंदु में प्रवेश करेगा, यही अपेक्षित है। इसका सटीक समय उचित समय पर घोषित किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसरो प्रमुख ने कहा था कि जब यह L1 पॉइंट पर पहुंचेगा, हमें इंजन को एक बार फिर से चालू करना होगा ताकि यह आगे ना बढ़े। यह उस बिंदु तक जाएगा और एक बार जब यह उस पर पहुंच जाएगा तो उसको चारों ओर घूमेगा और L1 पर रह जाएगा। इसरो प्रमुख ने कहा कि आदित्य L1 मिशन एक बार अपने गंतव्य पर स्थापित हो जाएगा तो अगले 5 वर्षों तक सूर्य पर होने वाली विभिन्न घटनाओं को मापने में मदद करेगा। एक बार जब इसे सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया जाएगा तो यह अगले 5 वर्षों तक वहां रहेगा और सभी डेटा इकट्ठा करेगा, जो अकेले भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। सूर्य की गतिशीलता और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इसे समझने के लिए डेटा बहुत उपयोगी है। वहीं इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि भारत कैसे तकनीकी रूप से शक्तिशाली देश बनने जा रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। सोमनाथ ने कहा कि इसरो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों के अनुसार अमृतकाल के दौरान एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बनाई है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कहा जाएगा।